हे गाइस, आज की रेसिपी दिल्ली में मिलने वाले मूंगलेट से इंस्पायर्ड है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। नेक्स्ट टाइम आप दिल्ली जाएं और करोल बाग जाएं तो ज़रूर ट्राई करिए। फिलहाल आज घर में बनाते हैं मूंगलेट पिज्ज़ा। तो मूंगलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूंग दाल चाहिए। यहाँ पे मैंने मूंग दाल ली है, धुली मूंग दाल। पहले आप इसको वॉश कर लीजिए 2-3 बार और सोख कर लीजिए। वैसे तो मूंग दाल 1 घंटे में अच्छे से सोख हो जाती है, लेकिन इस रेसिपी के लिए आप इसे कम से कम 3 से 4 घंटे सोख कर लीजिए। सोख करने के बाद ये इस तरीके से दिखेगी। अब हम इस दाल का ग्राइंडर में अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। मैं मूंग दाल को मिक्सी के जार में डाल रहा हूँ। इसमें हम ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे, जिंजर ऐड कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, क्योंकि हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, पेस्ट हमारा ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए, एकदम थिक भी नहीं होना चाहिए, सेमी लिक्विड होना चाहिए। ये मिक्सचर का हमने एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगा। मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हींग ऐड करूँगा इसमें, और बेकिंग सोडा। इसको मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली। हमें इस मिक्सचर को प्रॉपरली मिक्स करने के बाद 10 मिनट तक छोड़ देंगे। साइड बाई साइड हम पिज्ज़ा की टॉपिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने कैप्सिकम को स्मॉल डाइसेस में काटा है, टमेटोज अगेन डाइसेस में, अनियन छोटे छोटे डाइसेस में, और कॉर्न मिला रहा हूँ इसमें मैं। इन सबको मिक्स कर लीजिए। टॉपिंग्स आप अपने पसंद की चूज़ कर सकते हैं, जो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो वो आप चूज़ कर लीजिए। ओके, सो हमने सारी प्रेपरेशन कर ली है, अब हम मूंगलेट बनाएंगे। मूंगलेट बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास नॉनस्टिक पैन है, मैं उसमें बटर ऐड कर लूँगा। पैन मीडियम हीट में है, मैं बटर को प्रॉपरली मेल्ट कर लूँगा। बटर को बर्न नहीं करना है। ऊपर से मैं मूंग दाल का मिक्सचर डाल लूँगा इसमें, स्प्रेड कर लीजिए। अब मैं इसे एक लिड से कवर कर लूँगा और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बॉटम से ये प्रॉपरली कुक हो गई है। अब मैं एक प्लेट लेकर प्लेट में इसे फ्लिप कर लूँगा। पैन में दोबारा से बटर ऐड करेंगे। ओके, सो अब हम इसे बनाएंगे एकदम स्ट्रीट स्टाइल मूंगलेट पिज्ज़ा। सबसे पहले मैं इसमें केचप लगा लूँगा। ये हमारी होममेड केचप है। इसकी रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आपको वहाँ मिल सकती है। इसके ऊपर मैं सारे वेजिटेबल्स ऐड कर लूँगा जो मैंने मिक्सचर बनाया था। के ऊपर प्रोसेस चीज़ जो कि मैं ग्रेट करके डाल रहा हूँ। इसको हम कवर कर लेंगे जब तक कि चीज़ हमारी प्रॉपरली मेल्ट ना हो जाए, और उसके बाद मूंगलेट पिज्ज़ा रेडी। मैं इस पिज्ज़ा को एक प्लेट में निकाल लूँगा। ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लेंगे, चॉप कोरिएंडर। आप इसके साथ कोई भी चटनी सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी, टमेटो केचप। तो ये था हमारा करोल बाग स्टाइल मूंगलेट पिज्ज़ा।
है।